अभिनेता गोविंदा के खिलाफ 2008 के बहुचर्चित थप्पड़ मामले में शनिवार को स्थानीय बोरीवली कोर्ट ने आरोप तय किया है। इस मामले की नियमित सुनवाई 24 अप्रैल से शुरू होगी और यदि गोविंदा दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें 4 साल की सजा हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिनेता एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद गोविंदा के खिलाफ IPC की धारा 352, 323 और 506 के तहत बोरीवली मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोप तय किया है। बता दें कि गोविंदा ने 2008 में मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में फिल्मी सांस स्टूडियो में मनी है तो हनी है फिल्म की शूटिंग के दौरान संतोष राय नामक युवक को थप्पड़ मारा था, जिसकी शिकायत राय ने स्थानीय गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। हालांकि गोविंदा ने इस मामले में खुद को बेकसूर बताया था। उन्होंने कहा था कि संतोष राय शूटिंग के दौरान सेट पर अभद्रता कर रहा था। इस थप्पड़ कांड की बोरीवली कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब गोविंदा कई बार अदालत में हाजिर नहीं हुए थे तब उनके खिलाफ समन जारी हुआ था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा और अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के निची मुचले पर रिहा कर दिया। देखिए, जब 16 जनवरी 2008 को मेरे साथ हादसा हुआ, उसके बाद काफी मैंने जद्दोजहद की, फिर जाके किसी तरह से एलसी हो पाया। एलसी होने के बाद मैं काफी स्ट्रगल करने के बाद पुलिस लोगों से कोई सपोर्ट नहीं पाया, तब जाके मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, फिर केस फाइल की। फिर केस फाइल करने के बाद कोर्ट ने कहा कि पुलिस को एक रिपोर्ट फाइल करने को, लेकिन पुलिस ने गलत रिपोर्ट फाइल की। उस फाइल करने के बाद जज ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से मतलब उसको चार्ज एफआईआर लेने की बात कही, लेकिन फिर अभी बीच में जब पुलिस ने जज साहब ने रिपोर्ट के लिए कहा था, उस दरमियान मुझे धमकी भी आई थी। पुलिस स्टेशन में कोर्ट मतलब पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और गोविंदा जी के कुछ लोग थे और पुलिस भी थे और काफी प्रेशराइज कर रहे थे मतलब विड्रॉ करने के लिए केस। और मैं काफी वहां पे मुझे 2-3 घंटा बिठाया गया था। इस बात की शिकायत भी मैंने बहुत से जगह पे हायर अथॉरिटीज को किया, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ में होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कमिश्नर को भी किया था। उसके बाद फिर कुछ रिस्पांस आया नहीं वहां से। फिर अभी लास्ट 20 मार्च को आए थे, उसके बाद वो बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के एग्जेम्पशन ले रहे थे। जनरल केसेस में क्या होते हैं कि 3 से 4 एग्जेम्पशन ही अलाउड होते हैं, लेकिन इन्होंने 7-8 लिए एग्जेम्पशन लिए और इसके बाद अभी जाके आज हाजिर हुए हैं और 24 अप्रैल से चालू होना है ट्रायल। नहीं, देखिए ये सारी चीजें गलत है क्योंकि मैं बाजू वाले 4 साल यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ और 4 साल कोई भी मतलब मकान मालिक एक साथ रखता नहीं है, तो मैं उसी एरिया में हूँ, आज भी हूँ बगल वाले बिल्डिंग में। मैं पहले R4 में रहता था, अभी R3 में हूँ, तो ऐसा मैंने कोई जाली कुछ नहीं किया, मेरे पास सब सबूत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी पता चला कि इस तरह की बातें आ रही है कि मैंने जो भी एड्रेस प्रूफ जाली है, ऐसा नहीं है। मैं रेंट पे था, इस तरह के ऊपर हमने केस किया था अंडर सेक्शन 323, 352, 506 IPC। काफी डेट्स के बाद गोविंदा आज हाजिर हुए हैं। गोविंदा पहले ही बेल ले चुके थे इस कोर्ट से, आज उनको आना था, आज उनको कोर्ट चार्ज एक्सप्लेन करने वाली थी अंडर सेक्शन 251 CRPC। आज उनको चार्ज एक्सप्लेन कर दिया गया है, अब हम कह सकते हैं कि ट्रायल शुरू हो गया। इसको क्या कहते हैं, उनके ऊपर चार्ज एक्सप्लेन हो गया, ये वर्ड अभी यूज कर सकते हैं? यस, कौन कौन से धाराएं जो चार्जेस अंडर सेक्शन 323, 352 असॉल्ट एंड 506 के अंतर्गत अगर गोविंदा दोषी पाए जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है और ये लड़ाई कितनी लंबी हो जाए? कम से कम 4 साल की सजा हो सकती है। अभी जो एविडेंस आएगा, कंप्लेनेंट का जो एविडेंस आएगा, उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। ऐसा नहीं है। जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया है, हमें तो आए। अगली हियरिंग में क्या ओपिनियन रहेंगे उनको? रह सकते हैं, 24 अप्रैल है आगे की। इससे पहले आपने जो जो पक्ष अपना रखा था कोर्ट के सामने, वो पक्ष कहीं ना कहीं जीते साबित हुए हैं? ऐसा नहीं, जिस तरह से चार्जेस फ्रेम हुए हैं, चार्जेस फ्रेम होने के बाद उन पक्ष को आप उन चीजों को कैसे रिलेट करेंगे? वो एविडेंस के ऊपर होता है, ऑन एविडेंस रिकॉर्ड होगा, उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे। तो भाई एविडेंस बहुत मजबूत है क्योंकि ऐसा है, कोई जब तक
कोर्ट के सामने जो एविडेंस आ जाए उसके पहले ऐसा कुछ एक्शन नहीं कर सकते कि एविडेंस मजबूत है। हर केस मजबूत होती है, लेकिन जो एविडेंस आएगा देखेंगे।